हेलो एवरीवन, शाम का वक्त है और मैं अपनी बालकनी में बैठा हूँ। अभी वैंकूवर कनाडा में शाम हुई है और बहुत ब्यूटीफुल वेदर है, आप जैसे देख सकते हैं। और जस्ट अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ बालकनी में से। क्वारंटाइन में सब अभी घर बैठे हैं, तो मैं आपके साथ 5 पॉइंट शेयर करना चाहूँगा जो मैं अभी अपने लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ और मुझे उससे बेनिफिट मिला है, तो मैं सोचा आपसे ट्राई कर सकता। नीचे ट्रेन स्टेशन है, आप देख सकते हो मेट्रो ट्रेन वहाँ पे पीछे। हर एवरीडे लोग कंप्लेन करते रहते हैं टाइम नहीं है, बिजी है, जब भी जॉब जाते हैं कुछ करने का सोचते हैं फिर बोलते हैं कि बिजी हूँ, टाइम नहीं मेरे पास, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। अभी टाइम मिला है तो आप टाइम का यूज़ कर सकते हो। तो 5 पॉइंट मैं बताऊँगा जो आप अपनी लाइफ में यूज़ करके थोड़ी अच्छी हैबिट अपनी बना सकते हो। ट्रेन जा रही है यहाँ से डाउनटाउन और पूरे वैंकूवर में घूमती है ये ट्रेन, यहाँ से मेट्रो ट्रेन है। फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेचिंग। ये मैं जो पॉइंट बताऊँगा वो वेरी सिंपल इजी टू डू इट है, तो आप इजी भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, वेरी इजी है और कोई भी कर सकता है। कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटे छोटी चीज़ें हैं ना वो हमको बेटर इंसान बनाती, बेटर हेल्प करती है सक्सेसफुल बनने में। तो मैं चाहता हूँ आप भी ट्राई करें और देखें कुछ बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं। तो पहली चीज़ है स्ट्रेचिंग। आप एवरीडे लोग चाहते हैं कि मुझे अच्छी बॉडी बनानी, अच्छी हेल्थ बनानी। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट? कितने भी पैसे हो, हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बैक पेन हो रहा है और BMW घर पर पड़ी है, बैठ नहीं सकते तो उसका क्या फ़ायदा, राइट? तो हेल्थ इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरीवन, राइट? तो एक्सरसाइज करना चाहते हैं पर लेज़ी हो जाते हैं, विंटर होता है, ठंड होती है, बाहर नहीं जा सकते, उठा नहीं जाता, तो आप घर पे ही हो, बाहर नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, 15 मिनट एवरीडे मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग करना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके बॉडी को, मसल्स को रिलैक्स करती है और एक टाइप की हैबिट बनती है। तो आप अभी 30 डेज़ हो या 21 डेज़ हो क्वारंटाइन में, तो घर पर बैठ के कोई भी चीज़ आप 21 डेज़ कंटिन्यू करते हो, जो आपको पता ही होगा कि जो हैबिट हो जाती है, फिर आप रेगुलर कर ही लेते हो, फिर ऑटोमेटिक आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो हैबिट बन जाती है। तो पहली हैबिट है स्ट्रेचिंग। हर रोज़ 15 मिनट उठ के सुबह या शाम को, मैं तो चाहता हूँ सुबह ही करो, आप स्ट्रेचिंग करो और आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, माइंड रिलैक्स होगा और सुबह आपकी शुरुआत दे अपना दिन शुरुआत अच्छा होगा, राइट? सेकंड है पानी पीना। सबको पता ही है कि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जो आपकी बॉडी में जब वाटर आप पानी पीते हो तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती, या जो आपकी स्किन अच्छी ग्लो करती है, या कुछ भी काफ़ी सारे बेनिफिट है। कि जैसे कोई भी जो सारे डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से जो कम से कम रोग होते हैं, जैसे आपको काफ़ी सारी इश्यू होते हैं जो हेल्थ रिलेटेड, वो कम हो जाते हैं पानी पीने से ओनली। वेरी सिंपल, पानी तो पी सकते हो। लोग बोलते हैं बिजी हूँ, बाहर हूँ, याद नहीं रहता, घर पे बैठे हो, मिनिमम 8 लीटर पानी पीना चाहिए। आप ट्राई करिए, बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। तो बाहर होते हैं तो शायद भूल सकते हैं, घर पे तो आप बॉटल अपने पास रखो एक और हर रोज़ बॉटल में ही पियो, डिसाइड करके कि भाई फुल करनी है और 1 लीटर की बॉटल 7 से 8 बार पीनी है। धीरे धीरे स्टार्ट करो, 5, 6, 7, 8 और आप ट्राई करो, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको बॉडी में। आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, काफ़ी सारे बेनिफिट हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है। थर्ड पॉइंट है अच्छे वीडियो देखो। लोग घर पे बैठे, अभी सभी के पास इंटरनेट है, अनलिमिटेड डेटा है, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब देखते रहते हैं, राइट? तो देखो, अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि आप अच्छे वीडियो देखो जिससे आपको हेल्प हो, जिससे आप कुछ सीखे, जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो। कई वीडियो देख के फिर आधे घंटे घंटे के बाद देखता है कि यार क्या कर दिया, टाइम वेस्ट हो गया, कुछ पता ही नहीं चला वीडियो में, टाइम वेस्ट हो गया, कुछ सीखा नहीं, बस फिर गिल्टी फील होती है, राइट? आई डोंट नो, कई लोगों को होती होगी, मुझे भी होती है। तो ऐसे वीडियो देखो जिससे आप कुछ सीख पाओ, अच्छे वीडियो देखो, आधा घंटा देखो,
15 मिनट देखो, पर कुछ अच्छी चीज़ें देखो। डिसाइड करो कि मैंने आज 2 अच्छे वीडियो देखने हैं 15 मिनट के, हाफ एन आवर के, फिर टिकटॉक पे या फेसबुक पे जाओ। थर्ड पॉइंट ये हो गया। फोर्थ पॉइंट है ब्रश। सभी लोग मॉर्निंग में तो ब्रश करते ही हो गए होपफुली। सभी डॉक्टर्स और सभी लोग रेकमेंड करते हैं कि आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए कम से कम, मॉर्निंग में और रात को सोने के टाइम पे, जो बहुत ही ज़रूरी है। जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं दांतों के, इंडिया में तो मोस्टली आपको पता ही है कि हम मोस्टली एक टाइम करते हैं, कई लोग करते हो गए 2 टाइम, पर ये बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हैबिट बनाओ, एवरी डे दिन में 2 बार ब्रश करो, शाम को सोने से पहले कंपलसरी ब्रश करो, ठीक है? एवरी डे फोर्थ पॉइंट है, शाम को ब्रश करना है सोने से पहले, बहुत ही बेनिफिट होगा आपसे, आपके दांतों का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मेल नहीं आएगी, कई लोग गम खाते रहते हैं, तो इट्स बेनिफिशियल, राइट? और फिफ्थ पॉइंट है, लोग ऑलवेज कंप्लेन करते हैं फैमिली के लिए टाइम नहीं है, हम यहाँ नहीं कर पाते, जॉब पे बिजी है, 12 घंटे जॉब पे रहती है, एक दिन छुट्टी होती है तो ग्रॉसरी करने में चले जाते हैं, घूमने में चले जाते हैं, तो बच्चों के साथ फैमिली के साथ टाइम नहीं रहता है। तो फिफ्थ पॉइंट है, घर पे हो, कई लोग घर से काम करते हो, काम करो या काम नहीं भी करते हो, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और टाइम स्पेंड मीन्स 100% आप उनके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए, बैठे रहना है फ़ोन लेके बैठे रहना है, या वाइफ कुकिंग कर रही है, बच्चा अपने आप खेल रहा है, वैसे नहीं, साथ में बैठो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, उसके साथ खेलो, प्लान बनाओ, या ऐसे दिन में सोचो कि मुझे सुबह 1 घंटा या शाम को 1 घंटा मेरे बेटे के साथ खेलना है, उसके साथ एक्टिविटी करनी है, कुछ सिखाना है उसको, कोई गेम खेलनी है या उसको स्पीच करानी है या कुछ ना कुछ सिखाना है, या वाइफ के साथ उसको बोलो, अच्छी अच्छी बातें करो। कई लोग परेशान होते हो गए कि पूरा दिन घर पे वाइफ के साथ झगड़े होते हैं, सुनो मेरी बात, घर पे रह के कंप्लेन ना किया करो एक दूसरे की कि ये कर रही है वो कर रही है, नेगेटिविटी बिल्कुल ना करो, पॉजिटिव रहो, ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ें ढूंढो, नेगेटिव ऑटोमेटिक दूर चली जाएगी। तो वाइफ के साथ अच्छी अच्छी बातें करो, उसको अप्रिशिएट करो कि तू खाना बना रही है, लेट मी ट्राई, कि आप भी खाना बनाओ, सीखो उसके साथ, बैठ के बातें करो, अच्छी मूवी देखो, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। तो मोस्टली टाइम स्पेंड करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी टाइम मिला है, टाइम का यूज़ करो, एक बार जॉब स्टार्ट हो जाएगी फिर पैसे के पीछे भागते रहोगे, और फिर आपको पता ही है रूटीन लाइफ शुरू हो गई और फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बस यही 5 पॉइंट थे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, बालकनी में बैठा था और बस एंजॉय कर रहा था ब्रिटिश कोलंबिया वैनकूवर का नाइस वेदर, 26 फ्लोर पे से ब्यूटीफुल वेदर एंजॉय कर रहा हूँ, अभी सनसेट हुआ है। तो दिस इज़ द छोटे छोटे पॉइंट है, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, मुझे इतने ही याद है इसलिए मैंने अभी स्टार्ट किया है, कई सारे पॉइंट है, मैं बाद में शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, पर मैंने क्या किया है कि अपनी वॉशरूम की वॉल पे या कहीं पे भी ऑफिस पे या कहीं पे भी जगह है वॉल पे मैंने कैलेंडर कर दिया है 21-30 डेज का, और एवरी डे मैं टिक करता हूँ कि मैंने ये किया या नहीं किया, मैं और मेरी वाइफ का दोनों का लगाया हुआ है, और तो तुम्हें आइडिया आता है कि कई चीज़ में तुम कंसिस्टेंट हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो 20-30 दिन के बाद आपको दिखता है कि मैंने क्या किया नहीं किया, अचीवमेंट होता है, राइट? 5 पॉइंट बनाओ और लिखो कि फर्स्ट यस, सेकंड यस, थर्ड यस, नो, ऑनेस्टली रहना है, आप अपने साथ ऑनेस्ट रहना है तो ही फायदा होगा उसका। पहले 1-2 दिन थोड़ा टफ पड़ेगा, रूटीन नहीं आएगा, फिर ऑटोमेटिक आपका रूटीन हो जाएगा, ठीक है? और आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपको भी ये चीज़ करने से फ़ायदा होगा, और आप भी देखेंगे कि ये कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ अपने आप को ट्राई करके या इम्प्लीमेंट करके आप बेनिफिट कर सकते हैं, तो ज़रूरी करें, हमने भी किया है, और 30 दिन के बाद करोगे और देखोगे तो आपको सक्सेसफुल फील होगा कि मैंने कुछ किया है, कुछ अचीव किया है, तो प्लीज़ ट्राई करिए, ठीक है? चलो, अच्छा लगा आपके साथ बात करके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।